क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका जीव विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25, जो आपका त्रैमासिक परीक्षा पेपर होगा तिमाही का, उसका मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। जो समय रहेगा 3 घंटा, पूरा अंग रहेगा 75 का। मैं आपको पूरा सोल्यूशन के साथ बताऊँगा, और अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो निर्देश देख सकते हैं, आपको सभी निर्देश पढ़ लीजिएगा। पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, छठों को निर्देश रहेगा, इसको पूरा आपको पढ़ना है, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। तो सही विकल्प है आपका पहला, सही विकल्प चुनकर आपको बताना है। तो पहला है आपका 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर थी। दूसरा, जनसंख्या विस्फोट का कारण नहीं है। तीसरा, मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। चौथा, DNA उंगली छापन को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे। और पांचवा हो जाएगा, निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त समष्टियों को उस स्थान का कहते हैं। हरे पौधे सूर्य द्वारा प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर पहले का हो जाएगा, कम उम्र में विवाह, XY हो जाएगा, और कैरी मुलिस, और आ नंबर इसका हो जाएगा, और उसका झील हो जाएगा, पांचवें का झील समुदाय, और 2% हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भ्रमण और गर्भाशय की भी संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को बिंदी बिंदी कहते हैं। यौन क्रियाओं में उत्पन्न होने वाले रोग कहलाते हैं। तीसरा है, DNA का टुक्रम बिंदी बिंदी कहलाते हैं, और AIDS संचरित रोग है। दूसरे, दही का निर्माण के द्वारा विकसित किया गया है। भूमंडल का वह भाग जहाँ जीव रहते हैं कहलाते हैं, बिंदी बिंदी कहलाते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका तीसरा है आपका, देखते हैं सत्य का चयन करना है। तो पहला, बीज का विकास अंडकोश में होता है। मनुष्य में भ्रूण झिल्लियों की संख्या 3 होती है, और एनीमिया योग यौन जनित रोग है। प्राकृतिक रूप से जन क्रिया में अक्षमता को बंधता कहते हैं, और संलग्नता और पुनर्योजना का सिद्धांत गर्भन ने दिया। DNA उंगली छापन को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक कैरी मुलिस थे। सत्य हो जाएगा, तो पहले का आपका असत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, और पांचवें का असत्य हो जाएगा, दूसरे का आपका असत्य हो जाएगा, तीसरे का सत्य हो जाएगा, चौथे का सत्य, पांचवा असत्य, और छठवा आपका सत्य हो जाएगा। सही जोड़ी है, देख लीजिएगा। AIDS, बायोगैस, एक्रोसोम, टेस्ट बेबी, और झूम खेती। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, पहले का हो जाएगा STD, बायोगैस, मीथेन, और गैल्जी का एक्रोसोम, टेस्ट बेबी का IVF, और झूम खेती इसका हो जाएगा उत्तर पूर्वी राज्य हो जाएगा। स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। पांचवा आपका, एक बाकी है, एक शब्द में उत्तर आपको बताना है। तो वनों में पाए जाने वाले जीव क्या कहलाते हैं। पुष्प के केसर भाग लिखिए। स्थानीय निषेचन कहाँ संपन्न होता है। IUT का पूरा नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। इनका स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो छठवा, स्वपरागण के कोई दो महत्व में है। परागण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित, और शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए, अथवा में WHO को पूरा नाम बताना है। तो 6 से लेकर 23 तक क्वेश्चन आपको आंसर के साथ पूरा मैं प्रोवाइड कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो गूगल पर सर्च करिए www.ncrtschool.com। उसमें अगर आपको पेपर का PDF नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, उसमें आप ज्वाइन हो लीजिए, उसमें आपको पेपर का PDF मिल जाएगा, और जो भी अपडेट मिलेगा उसमें ही मिल जाएगा आपको। और सोल्यूशन के साथ चाहिए तो आपको वीडियो पे ही मिलेगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।